हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड आप लोग कैसे हो जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड आप लोगों के लिए एक न्यू किचन टिप्स लेके हम आ गए। फ्रेंड ये किचन टिप्स आपके बहुत काम आने वाली है, छोटे मोटे जो किचन के काम रहते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, हमने कौन कौन से किचन टिप्स शेयर किया है। और फ्रेंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम कोई वीडियो डालें आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड पहले किचन टिप्स कौन सी है। तो फ्रेंड पहली किचन टिप्स ये है कि जब हम यानी हलवा बनाते हैं तो हलवा में डायरेक्ट यानी शक्कर ना डालकर उसका सीरा बना के डालें, तो जो हमारा हलवा है तो एकदम दानेदार और यानी टेस्टी बनेगा और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड ये किचन टिप्स आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड अगली किचन टिप्स देख लेते हैं, अगली किचन टिप्स कौन सी है। तो फ्रेंड अगली किचन टिप्स ये है कि जो ये हमारे जो नेल पेंट होते हैं सूख जाते हैं, तो उसके जो डब्बा बचते हैं डिब्बी बचती हैं तो फेंक देते हैं। तो फ्रेंड ऐसे नहीं फेंकिए, ये बहुत काम आती है हम लोगों के यहाँ। तो ये हमारे जो है तो ये ख़त्म हो गई थी नेल पेंट, तो यानी अब इसमें हम एक बताते हैं, जैसे हम मच्छर वाली जो अगरबत्ती होता है जलाते हैं तो कहाँ जलाएँ कैसे जलाएँ उसको रखें। तो आप लोग इस तरह से ये नेल पेंट के जो शीशी है ऐसे यूज कर सकते हैं, इसमें अगरबत्ती लगा दीजिए तो आपके यानी इधर उधर जो लगाते हैं तो डर भी ना रहेगा जलने का, और इस तरह से रहेगा और इस तरह से आप ये अगरबत्ती लगा सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड ये किचन टिप्स आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए, कमेंट करिए। तो फ्रेंड चलिए अगली किचन टिप्स देख लेते हैं, अगली किचन टिप्स कौन से हमने शेयर किया है। तो फ्रेंड अगली किचन टिप्स ये है कि जो हम कंघियाँ करते हैं तो ये कंघियाँ में भी बहुत यानी गंदगी हमारे सिर की जो रहती हैं तो इसमें चिपक जाती हैं और धूल डस्ट, तो पूरी इसको यानी हमको वीक में एक बार ऐसे ब्रश से साफ़ कर देना चाहिए, तो जो भी गंदगी है तो ये आसानी से साफ़ हो जाती है और कंघी भी जो है तो साफ़ हो जाएगी। और जैसे हम लोग करते हैं कंघी तो हम लोग के सिर में डैंडर वगैरह नहीं होंगे और साफ़ रहेगी। तो फ्रेंड ये किचन टिप्स आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए, कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड अगली किचन टिप्स देख लेते हैं, अगली किचन टिप्स कौन सी हमने शेयर किया है। तो फ्रेंड अगली किचन टिप्स ये है कि जो ये इस तरह से डिब्बे आते हैं, जैसे हम ईयर रिंग मंगाए और चूड़ियाँ वगैरह लेते हैं तो उसमें बहुत सारे इस तरह डिब्बे हमको छोटे छोटे मिल जाते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यानी बच्चों के रहते हैं छोटे छोटे ईयर बैंड हो गए और यानी क्लिपियाँ हो गए तो इधर उधर बच्चे जो है तो फेंक देते हैं, तो इसमें आसानी से आप रख दीजिए और ये इकट्ठा रहेंगे, जब भी ज़रूरत पड़े तुरंत निकाल के लगा सकते हैं। और जैसे कि इकट्ठा रहेगा तो आसानी से मिल जाएगा, बच्चे जैसे ही स्कूल जाते हैं तो तुरंत निकाल के हम बच्चों को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड ये किचन टिप्स कैसे लगी आप लोगों को ज़रूर बताइए, कमेंट करिएगा। ये तो देख सकते हैं वीडियो में हम इसको कैसे रख रहे हैं, तो ये बहुत आसान है फ्रेंड। और हमारी बेटी तो बहुत सारी ये इधर उधर फेंकती रहती है, और तो मैं इस तरीके से रखती हूँ जिससे फटाफट मिल जाए और जब भी मैं उसको तैयार करूँ तो हमको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े इधर उधर, तो मैं इस तरीके से इसको रख देती हूँ तो आसानी से ये मिल जाते हैं सब। तो फ्रेंड ये किचन टिप्स आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड चलिए अगली किचन टिप्स देख लेते हैं, अगली किचन टिप्स कौन सी है। तो फ्रेंड अगली किचन टिप्स ये है कि जो चीज़ आते हैं तो उसको खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो फ्रेंड इस प्रकार से आप पकड़ के यानी खोलिए तो आपका जो चीज़ है तो आसानी से खुल जाएगा और एकदम टूटे उटेगा नहीं। तो जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है इस प्रकार से आप इसको ओपन कर सकते हैं, चीज़ को देख सकते हैं एक भी नहीं टूटा, तो इस प्रकार से आप खोल सकते हैं। तो फ्रेंड ये किचन टिप्स आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड अगली किचन टिप्स देख लेते हैं, अगली किचन टिप्स कौन सी है। तो फ्रेंड अगली किचन टिप्स ये है कि बॉटल जो पानी वाली बॉटल रहती है तो इसको हम ऐसे ही पानी पीने के बाद फेंक देते हैं, तो इसको चलिए आज इसको हम एक उपयोग कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको पहले हम कट कर लेंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड इस प्रकार से हम कट कर लिए हैं। और फ्रेंड जैसे हम लोग सफ़र में जाते हैं तो ऐसे रख लेते हैं तो फिर इधर उधर
जैसे पेस्ट हो गया और ब्रश हो गया, इनको इकट्ठा रखेंगे तो आसानी से इकट्ठा मिल जाएंगे बच्चों के। तो फ्रेंड इस प्रकार से हम रख देंगे बच्चों के जो ब्रश है और जी भी, इस तरह से हम सफ़र में कहीं जा रहे हैं तो इस प्रकार से हम रख देंगे। तो फ्रेंड ये किचन टिप्स आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। तो चलिए अगली किचन टिप्स देख लेते हैं, अगली किचन टिप्स कौन सी है। तो फ्रेंड अगली किचन टिप्स ये है कि जैसे जो हमारी कंघी होती है बहुत गंदी हो जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा यानी धोते साफ नहीं करते तो बहुत ज़्यादा गंदी रहती है। तो आप इस प्रकार से मैंने महीने 6 महीने में इस प्रकार से धो सकते हो। गर्म पानी करिए, उसमें 1 चम्मच पाउडर डाल दीजिए और कपड़े धोने वाला, और 1 नींबू इसमें निचोड़ दीजिए। तो जो बैक्टीरिया और वायरस हैं तो पूरे यानी कंघी एकदम साफ हो जाएगी और उसमें वायरस भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कंघी को साफ कर सकते हैं और एकदम बहुत यानी साफ हो जाती है फ्रेंड और एक चमकने लगती है। तो इस ट्रिक से आप कंघी को एकदम साफ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको पहले रख दीजिए, 10 मिनट इस तरह पानी में डाल के रख दीजिए अच्छे से ये फूल जाए। फिर इस प्रकार ब्रश ले लीजिए और ऐसे इसको साफ कर दीजिए, तो जो गंदगी है तो निकल जाएगी और जो कंघी है तो अच्छे से साफ हो जाएगी। तो इस प्रकार से साफ करके आप साफ पानी में इसको फिर धुल दीजिए, पूरा अच्छे से ये साफ हो जाएगी। तो फ्रेंड ये आपको किचन टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताइए, कमेंट करिएगा। इसको लास्ट में साफ कर दीजिए और फिर रख दीजिए अच्छे से सूख जाए, फिर इसके बाद यूज करिए और एकदम साफ़ हो जाती है फ्रेंड। तो चलिए अगली किचन टिप्स देख लेते हैं, अगली किचन टिप्स कौन सी है। तो फ्रेंड अगली किचन टिप्स ये है कि हम दाल बनाते हैं तो उसमें हल्दी और थोड़ा सा यानी दूध डाल दें, घी। तो इससे दाल क्या होती है बहुत टेस्टी और जल्दी पक जाती है। तो ये किचन टिप्स आप लोगों को कैसी लगी फ्रेंड ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। और आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए अगली किचन टिप्स देख लेते हैं, अगली किचन टिप्स कौन सी है। तो फ्रेंड अगली किचन टिप्स ये है कि जैसे कि हम दूध पकाते हैं तो दूध पकाते टाइम पे ऐसे रख देते हैं तो फुनाता है तो नीचे गिर जाता है। तो आप दूध पकाते टाइम पे गैस को धीमा कर दीजिए और इसके ऊपर एक लकड़ी का जैसे स्पैचुला है इस प्रकार से रख दीजिए, तो आपका दूध जो है तो नीचे नहीं गिरेगा, आसानी से पक जाएगा। तो फ्रेंड ये किचन टिप्स आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड अगली किचन टिप्स देख लेते हैं, अगली किचन टिप्स ये है कि जैसे हम चावल पकाते हैं उसमें थोड़ा सा नींबू, 1 चम्मच नींबू निचोड़ दें तो क्या रहता है कि चावल एकदम खिले खिले बनते हैं और इस टेस्टी भी बनते हैं। तो फ्रेंड ये आप लोगों की ये किचन टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताइए, कमेंट करिएगा। अगर कौन से किचन टिप्स देखना चाहते हैं फ्रेंड बताइएगा ज़रूर, और आप लोगों को कौन कौन से किचन टिप्स इसमें से पहले से पता थी कमेंट करिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड अगले वीडियो में फिर मिलते, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर।